वो 30 रुपए 30 रुपए की साड़ी सर जी, ये भी 30 रुपए की ही आएगी सर, 50 रुपए की है सर, ये 50 का है जी, 100 रुपए की, अच्छा ये 130 रुपए की है सर, 130 का एक्सचेंज ऑफर वाला साड़ी है, अगर आपसे बिकता है तो इसको बेच दीजिए और नहीं बिकता है तो इसको एक्सचेंज करके इसके बदले में दूसरा कपड़ा किसी तरह का मटेरियल ले जा सकते हैं आप, 100 से 160 का साड़ी जो भी रहेगा ऊपर वो सब एक्सचेंज के साथ आएगा सर, इस बार 250 में जो भी हमारे पास साड़ी आई है आंचल पर झालर लगा हुआ रहेगा सर, काफी खूबसूरत साड़ी है, कलर भी इसका बहुत बेहतरीन है, मात्र 300 रुपए की साड़ी है, नारी बेच रही है साड़ी, साड़ी मात्र 30 रुपए का। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने योर वॉइस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। और दोस्तों आज फिर हम पहुंच गए आयुष टेक्सटाइल, आयुष टेक्सटाइल में पहुंचने के बाद मैडम से लेंगे पूरी जानकारी कि 30 रुपए की साड़ी कैसे मिल रहा है, और वीडियो में बने रहिएगा तो हम पूरा डिटेल भी इसका बताएंगे। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम आज क्या दिखाने वाली है, वो क्यों इतना सस्ता है? सर आज हम साड़ी आपको दिखलाने वाले हैं जो कि 30 रुपए से स्टार्टिंग होने वाली है जी। 30 रुपए से 140 के बीच की जो भी साड़ियाँ होने वाली है वो लॉट की रहेंगी सर, उसमें अच्छा। कहीं ना कहीं थोड़ा माइनर डिफेक्ट आता ही है सर। अच्छा। ऐसा कोई मतलब निकलता तो फ्रेश ही है बट उसमें माइनर डिफेक्ट आप लेकर के चलिए सर उसमें। अच्छा जी सर। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें माइनर डिफेक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें डिफेक्टिव पीस हो सकता है, 100% नहीं बोल रहा हूँ पर कुछ बहुत साड़ियों में हो सकता है, तो इस चीज़ को सोच समझ के लेना है क्योंकि साड़ी का जो रेट है 30 रुपया है। क्या कलर और डिज़ाइन वेरायटी में भी कुछ फ़र्क होगा क्या? नहीं सर, आप 30 का लीजिए, 50 का लीजिए, 100 का लीजिए, सबका कलर वगैरह का सब चीज़ का गारंटी होता है सर, बट आपको डिफेक्ट का कोई गारंटी नहीं है। मतलब डिफेक्ट कैसा डिफेक्ट होगा? जैसे माइनर डिफेक्ट होता है, कहीं हल्का कटा फटा का रहता है, मान लीजिए 30 रुपए वाली साड़ी है उसमें अगर कहीं कटा फटा है तो उसमें आपको एक छोटा सा वर्क किया हुआ रहेगा। अच्छा। 50 वाली में भी वर्क किया हुआ रहता है बट जो 100 रुपए की साड़ी रहती है वो पूरी तरह से फ्रेश होती है सर, बट इसमें आपको 140 तक का जो भी साड़ी रहेगा उसमें आपको नो रिप्लेसमेंट है सर। जैसे कि मेरा हर वीडियो में होता है कि आपको 150 से ऊपर का जितनी भी साड़ियाँ लेते हैं वो आपको सेल हुआ तो आपका नहीं सेल हुआ आप एक्सचेंज करके हमारे यहाँ से दूसरा माल ले जा सकते हैं। ऐसे क्या हुआ कि आपका कोई माल भी जैसे पूंजी भी ब्लॉक नहीं होगा और कम माल भी आगे सेल हो जाएगा सर जी। तो मैडम मैं चाहूंगा कि उन साड़ियों को दिखाइए कि मेरे व्यूअर्स उसको देख पाएं और उसको खरीद सके जी सर। जैसे देखिए ये है आपको 30 रुपए 30 रुपए की साड़ी सर जी। मान लीजिए आप इसको मार्केट में ले जा करके 50 रुपए में भी सेल करते हैं जी। तो इसमें आपका 50 से 60% का आपको बचत हो जाएगा सर। हाँ। ये देखिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं रुमाल 30 रुपए में आज की डेट में नहीं मिलता है, और 30 रुपए की साड़ी है ये जो आप देख सकते हैं कि कैसे इतना सस्ता है और कितना अच्छा डिज़ाइन है। 30 रुपए में दुनिया का कोई जगह नहीं जहाँ की साड़ी मिलता हो। तो मैडम और दिखाइए। जैसे देखिए ये 30 रुपए की है सर जी। देखिए ये भी 30 रुपए की ही आएगी सर। ठीक है। देखिए इसमें आपको ब्लाउज पीस नहीं रहेगा सर। हाँ। बट इसमें अगर कहीं पर देखिए अभी आपको एक पीस दिख रहा है उसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है जी। देखिए ये भी साड़ी आपको पूरी तरह से फ्रेश है। अब कोई एक आध पीस वैसा उसमें रहता है जिसमें अगर कटा फटा रहा तो वहाँ पर एक छोटा सा वर्क किया हुआ रहता है सर। ठीक है। देखिए ये सब साड़ी आपको फ्रेश ही निकलेगा सर। ठीक है। जैसे देखिए उसके बाद फिर आपको रहेगा सर 50 रुपए की साड़ी। देखिए ये कितने का है? ये 50 रुपए की है सर। ये 50 का है जी सर। अच्छा अगर मैं मार्केट में बात करूं तो ये साड़ियाँ कितने में सेल होती है? जैसे 30 रुपए वाली अगर आप ले जाते हैं तो इसको मार्केट में आप 50 रुपए में भी सेल कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये है आपको 50 रुपए की साड़ी, इसको मार्केट में आप 150 का सेल लगा सकते हैं जोड़ा सर। अच्छा। 150 मान लीजिए एक साड़ी पर आपको 25 रुपए आ गया, 50% बचत हो गया सर जी। आराम से इसको कहीं हाट हो गया या फिर कहीं पर भी आप रख करके इसको सेल लगा सकते हैं, गाँव गाँव घूम करके सेल कर सकते हैं। अब 150 का जोड़ा बेचिएगा सर कहीं भी आपका सेल हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि काफी अच्छी है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है लोग जितना कम में हो सके अभी देख रहे हैं कि कहते हैं कि जितना सस्ता आप हमको कपड़े दीजिए जितना सस्ता हो सके। ये कितने का मैडम? ये दिखाइए, काफी खूबसूरत भी है और साथ में मतलब डिजाइन वगैरह भी इसका ठीक है। ये क्रेप है सर। हाँ। ये आपको मात्र 100 रुपीज का है सर। अच्छा। 100 रुपए की। अच्छा। ये क्रेप है। हाँ। ये 100 रुपए का सर, ये पूरी तरह से ये भी फ्रेश रहेगा सर। अच्छा। इसमें भी आपको ब्लाउज पीस नहीं आएगा। देखिए। अच्छा। इसको आप मार्केट में 150 में आराम से सेल कर सकते हैं जी। देखिए ये कितना रेट बता रहे हैं इसका? मात्र 100 रुपए सर। 100 रुपए का जी। तो गाइस ये देखिए साड़ी काफी बेहतरीन है, 100 रुपए के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और खूबसूरती भी है, सब कुछ है इस साड़ी के अंदर। देखिए फिर ये आपको पड़ेगा 130 का सर। 130 का जी सर। देखिए इसमें आपको ब्लाउज रहेगा सर, ब्लाउज के साथ ही आएगा। इसमें ब्लाउज पीस सिला हुआ रहता है सर, इसमें आपको रनिंग ब्लाउज नहीं रहेगा, ब्लाउज सिला हुआ रहेगा। देखिए ये 130 रुपए की है सर। 130 का। आंचल पर एक गोटा लगा हुआ रहेगा। हाँ। सब देखिए फुल लेस के साथ है सर। ठीक है। देखिए
और इसमें बोल रहे थे ब्लाउज पीस भी है जी सर, देखिए ये आपको ब्लाउज सिला हुआ रहेगा सर ऐसे। अच्छा, इस तरह से आपको ब्लाउज इसमें सिला हुआ मिलेगा सर जी। जैसे देखिए फिर ये आपको आ गया 140 का सर, 140 का, 140 का जी सर। इसको आराम से आप 200 में सेल कर सकते हैं। देखिए इसमें आंचल पर स्टोन लगा हुआ रहेगा जी। देखिए ये भी आपको विथ ब्लाउज ही आएगा, इसमें भी आपको ब्लाउज सिला हुआ रहेगा सर। अच्छा देखिए, अच्छा ये कितने में बिक सकता है मार्केट में? इसको मार्केट में आप 250 में आराम से सेल कर सकते हैं सर। इसको इसमें का जो ब्लाउज पीस होता है जी, वो कुछ अच्छा क्वालिटी का रहता है सर, जिसको आप सिलवा करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए उसके बाद फिर आपको हमारे यहाँ 150 से साड़ी जो भी आपको रेगुलरली आता है वो आएगा। जैसे देखिए ये आपको 160 का, 160 रुपये का है सर। अच्छा। अब ये जो साड़ी स्टार्टिंग हो रहा है ये आपके पास अगर सेल नहीं हो रहा है ये सब आपको एक्सचेंज करके सर दूसरा कपड़ा मिल जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ आपको बच्चों का आइटम मिलता है, कुर्ती लेगिंग सर कपड़ा मिलता है जी। अब कोई भी आइटम बेच आप हमारे यहाँ से एक्सचेंज करके ले जा सकते हैं सर। तो गाइस यहाँ से देखिए, अब ये एक्सचेंज ऑफर वाला साड़ी है, अगर आपसे बिकता है तो इसको बेच दीजिए, और नहीं बिकता है तो इसको एक्सचेंज करके इसके बदले में दूसरा कपड़ा किसी तरह का मटेरियल ले जा सकते हैं आप सर। जैसे देखिए इसमें आपको रनिंग ब्लाउज आएगा सर। ठीक है, देखिए इसमें रनिंग ब्लाउज ही हो गया फिर सर। फिर देखिए 200 की। अच्छा, ये सब आपको अब सेट वाइज साड़ी स्टार्टिंग होगा सर। अच्छा, ये भी एक्सचेंज के साथ है जी सर? ये सब अब जो भी 100 से 160 का साड़ी जो भी रहेगा ऊपर वो सब एक्सचेंज के साथ आएगा सर। देखिए देखिए, ठीक है, ये सब एक्सचेंज के साथ आपको मिलेगा। इसको आप मार्केट में आराम से आप 300-350 में सेल कर सकते हैं सर। ब्लाउज पीस इसमें भी है क्या? जी सर, अटैच रहेगा रनिंग ब्लाउज। अच्छा देखिए, अगर आप कहीं से भी अगर साड़ी उठाते हैं तो अगर कोई फ्रेश बोलता है तो उसमें आप रनिंग ब्लाउज देखिए जी, ये आपका जहाँ भी रनिंग ब्लाउज हुआ वो आपको फ्रेश साड़ी की गिनती में आ गया सर। अच्छा, अगर ब्लाउज सिला हुआ आ गया वो लौट का आ गया सर। ठीक है, देखिए जैसे ये सब है सर, ये सब 200 का है। ये सब माल कहाँ का है मैडम? ये सब साड़ी सर सूरत से आता है जी। ये जितना भी आप साड़ी देख रहे हैं ये सब सूरत का है सर। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, इसमें भी आपको साड़ी जो भी है, देखिए ब्लाउज देखिए रनिंग मिलने वाली है। इसके बाद देखिए 250 की साड़ी सर, इस बार 250 में जो भी हमारे पास साड़ी आई है आंचल पर झालर लगा हुआ रहेगा सर। देखिए विचित्रा पर। अच्छा जी, देखिए सिरोस की बॉर्डर लगा हुआ है जी पूरे में। अच्छा, कपड़ा कौन सा है ये? विचित्रा है सर। विचित्रा जी सर, ये भी अपना गुजरात सूरत से ही आया क्या? जी सर, ये सब सूरत का है सर। अच्छा, देखिए सब जितना भी साड़ी आप हमारे यहाँ देख रहे हैं ये सब सूरत की ही साड़ी है सर। देखिए ये 300 का है, देखिए। अच्छा, इसमें नीचे नीचे आपको चौला बॉर्डर आएगा सर। तो गाइस ये देखिए काफी खूबसूरत साड़ी है, कलर भी इसका बहुत बेहतरीन है, मात्र 300 रुपए की साड़ी है। और कितने में बिक पाएगा ये मैडम मार्केट में? लगभग 500 प्लस जाएगा सर। 500 प्लस जी सर, ये सब विचित्रा पर है सर जी। चौला लेस बॉर्डर आएगा, देखिए रनिंग ब्लाउज है, देखिए ये आपको ब्लाउज आ गया। ठीक है, फिर देखिए 325 में वर्क वाली साड़ी सर, 325 से वर्क की साड़ी स्टार्टिंग हो जाएगी सर। ये 325 की जी सर, देखिए जी इसमें भी फुल में वर्क रहेगा सर आपको। अच्छा, अब ब्लाउज पीस में भी है जी सर? 150 से 160 से ऊपर का जितना भी साड़ी रहेगा सबका एक्सचेंज है, ब्लाउज पीस सब में आने वाला है सर, बिना ब्लाउज का कोई साड़ी नहीं रहेगा सर। अच्छा देखिए, ऐसे आपको हमारे यहाँ बहुत सारी साड़ियाँ मिल जाएगी सर, आप हमारे शॉप पर एक बार विजिट कीजिए, सैंपल देखिए, उसके बाद आप माल लीजिए। अगर आप बिहार के अंदर से हैं तो हम बोलेंगे कि व्हाट्सएप पर मैसेज ना करके शॉप पर विजिट कीजिए सर जी। क्योंकि देखिए शॉप पर आइएगा तो आप क्वालिटी देखिएगा कि क्या क्वालिटी है कपड़े की। बिल्कुल बिल्कुल, ये कितने का मैडम? ये आपको 170 का पड़ेगा सर। जी सर, इसे देखिए ये आपको एक रिंग किस से बाहर आ जाएगा सर, साड़ी ये 170 की है सर। देखिए इसको हम बाहर करके दिखलाते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, मैंने भी नहीं देखा है, अब देखने की कोशिश करते हैं एक रिंग से बाहर कैसे आता है ये साड़ी सर।
ये साड़ी इतनी सॉफ्ट है देखिए जी, देखिए पूरी साड़ी सर एक रिंग से बाहर आ गई सर जी, इतना ये सॉफ्ट कपड़ा है, एक रिंग से बाहर पूरी साड़ी आ गई सर देखिए। ये देखिए गाइस, आपको मैं दिखा दूं कि देखिए एक रिंग है और एक रिंग के अंदर से ये पूरी साड़ी बाहर आई हुई है। आपने भी देखा होगा इस चीज को, अद्भुत तरीका है और काफी सॉफ्ट साड़ी है। इसको आप मार्केट में 250 से 300 के बीच आराम से सेल कर सकते हैं सर जी। इतना ये हल्का कपड़ा है, जैसे भी देख रहे हैं गर्मी का सीजन, कितना गर्मी पड़ रहा है आजकल के सीजन में, आराम से इसको आप बेच करके सर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमारा शुरू से ऑफर रहा है, अगर मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 5,000 से 10,000 के बीच भी स्टार्टअप कर सकते हैं सर जी। क्योंकि जैसे कि हम शुरू वीडियो के शुरू में ही बताया कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का रेट चढ़ रहा है जी। तो पैसे का बहुत ज़्यादा कमी हो जाने की वजह से आप जितना का भी चाहें हमारे शॉप पर विजिट करके माल ले सकते हैं सर जी। अगर आप अदर बिहार से हैं, ऑनलाइन माल मंगवाना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको एक छोटा पार्सल 10,000 का आपको मंगवाना पड़ेगा। जहाँ तक कि हम सारे व्यूवर से विनती करेंगे कि हो सके तो आप शॉप पर विजिट ही कीजिए, ऑनलाइन माल हमसे ना मंगवाएं। क्योंकि सर क्या है कि देखिए किसी भी चीज़ का अगर हम फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो तो बहुत ही अच्छा आता है और शॉप पर आने की वजह से बोलते हैं कि आप माल ये दे दिए वो दे दिए, इसीलिए बोलते हैं कि आप शॉप पर विजिट कीजिए। शॉप पर विजिट कीजिएगा, देखिएगा कि जो हम आपको पिक भेजे उसका क्वालिटी क्या। फोटो पर कभी नहीं जाए, चाहे वो आप कहीं से भी माल उठाए, तो फोटो पर आप कभी भी माल ना ले, जहाँ तक संभव हो आप शॉप पर विजिट करके ही माल ले सर। अच्छा, इसीलिए बोलेंगे कि आप शॉप पर विजिट कीजिए, माल लीजिए, उसके बाद ही आप कहीं से भी परचेसिंग कीजिए। अगर मान लीजिए आप कहीं से कपड़ा या किसी भी चीज़ का खरीदारी करते हैं, आप 50 से 100 का आमदनी नहीं हो, आपको बचत हो रहा है, तो आपको वैसे खरीदारी करने का कोई फायदा नहीं है सर। उससे अच्छा आप लोकल मार्केट से ही कपड़ा उठाए जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए इस कपड़े को किसी ने ऑनलाइन मंगा लिया आपसे, और उसके अंदर कई लोग देख रहे हैं कि कई दुकानदार हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो जो छोटा व्यापारी होता है जो लेके जाता है कपड़े, वो ऑनलाइन मंगा तो लेता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पहुंचता है जो कपड़ा उसके अंदर कट्टा फटा है, कुछ अरिना रिप्लेसमेंट करते हैं और परेशान होकर बोलता है कि उन्होंने मेरे साथ ठग लिया। आपके लिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताइए इसके बारे में, कैसे उससे बचा जाए, और आप कहीं ऐसा तो आपके साथ तो आप तो नहीं करने वाली सर। देखिए सर, मेरा जहाँ तक कि सर ऐसा तो हम किसी के साथ करने का मेरा कोई इरादा नहीं है सर, फर्स्ट बात। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो बाकायदा आप बिल लेते हैं जी। और आपका जो भी कटा फटा माल लेता निकलता है, आप एक छोटा सा मिनी वीडियो बनाइए, जिसको शॉर्ट वीडियो भी आजकल जानते हैं यूट्यूब पर कितना ट्रेंड कर रहा है, आप उस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप दूसरे पब्लिक को जागरूक कर सकते हैं कि वो इस झांसे में ना पड़ेंगे जी। बाकायदा बिल और कटे फटे जो भी साड़ी है उसका एक, चाहे हम हो या कोई हो सर जी, उसका एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाइए, वीडियो पर अपलोड कीजिए यूट्यूब। तो आजकल जानते हैं कि पब्लिक कितना लोग यूज करता है, कितना देखता है, शॉर्ट वीडियो ज़्यादातर लोग देखते हैं, ये जनता जनता तक बात पहुँचेगा कि कौन सा आदमी कैसा है। और मान लीजिए मेरे थ्रू अगर मेरे से अगर कोई ऑनलाइन परचेसिंग करना चाहते हैं, अगर उनको इस बात का डर है कि उनका माल गलत जाएगा, तो हम बकायदा बिल पर लिख करके देंगे सर कि मान लीजिए मेरे से ले गया माल, आपको जरा सा भी इधर से उधर हुआ, हम आपको एक एक चीज़ का सर यहाँ पर आने जाने का खर्च देंगे और बकायदा आपके पसंद के अनुसार साड़ी देंगे या जो भी आप कपड़ा लेते हैं, उसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगा सर। अच्छा। जहाँ तक कि मेरा जो भी वीडियो देखेंगे, मेरा किसी में भी गलत कमेंट नहीं होता है सर, क्योंकि हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, मेरा जो भी होता है हम क्लियर बोल करके काम करते हैं सर। मेरा शुरू से ही रहा है, जैसे कि हम छोटे से ऊपर बढ़े हैं वैसे ही लोगों को भी छोटे से ऊपर बढ़ाने का कोशिश करते हैं सर। क्योंकि देखिए हर किसी का मेहनत का कमाई होता है सर जी। अपना दो दो पैसा जमा करके लोग मेहनत करता है कि किसी तरह से अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करे। अगर मान लीजिए शुरू में ही हम उनका पैसा लेकर के ठग लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो हमको गाली ही देंगे। तो किसी का हमको हाई लेकर के नीचे नहीं जाना है सर। हम भगवान से दुआ करते हैं कि जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल के वो भी लोग आगे बढ़े, ताकि वो हमसे जुड़े कि नहीं हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ज़रूर आएंगे सर। आज नहीं, कल नहीं, परसों वो ज़रूर आएंगे कि नहीं आयुष टेक्सटाइल में गए तो हमारे साथ सही हुआ, कहीं हम गलत नहीं फंसे। हाँ, ये कहेंगे कि अगर आपको रेट महंगा लग रहा है, आप पूरे मार्केट में घूमिए, ये नहीं है सर कि आए शॉप पर तो नहीं महंगा है फिर भी ले लिए, नहीं आप मार्केट पूरा देखिए। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, आप पहले मार्केट देखिए, फर्स्ट आप मार्केट देखिए अपने मार्केट का कि आपके मार्केट में किस तरह का कपड़ा चल रहा है, किस रेंज में चल रहा है। दूसरी बात, आप जहाँ से मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ का मार्केट देखिए कि वहाँ का मार्केट रेंज क्या है। उसके बाद आप अपने मार्केट से आप तुलना कीजिए कि मेरे मार्केट से वो किस रेंज से है। अगर मिलता जुलता 5-10 के भी ऊपर आपके मार्केट में मिल रहा है, तो आपको यहाँ से ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है सर। उससे अच्छा है कि आप वहाँ से अपने लोकल मार्केट से माल उठाइए, आपका टाइम भी बचत होगा, जो भी आने जाने का भाड़ा हुआ वो तो आपको जोड़ करके वहीं से पड़ जा रहा है, तो फिर यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं है सर। इसलिए हम बोलेंगे कि आप पहले अपने मार्केट और जहाँ से आप मार्केटिंग करने वाले हैं, दोनों जगह का तुलना कीजिए सर कि आपको कहाँ से क्या प्रॉफिट होने वाला है, उसके बाद ही आप हमसे जुड़ें जी।
तो गाइस इस वीडियो में हमने दिखाया है, स्टार्टिंग है 30 रुपये की साड़ी, 30 रुपये से लेकर 300 रुपये की साड़ी, और जिसके अंदर 50 से 60% तक आप प्रॉफिट एक एक साड़ी में कमा सकते हैं। जैसा मैडम ने बताया कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, और मैं अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ कि पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। और मैंने भी इनके 2 वीडियो शूट किए हुए हैं, उसमें से मुझे किसी भी वीडियो पे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया, किसी ने अब्यूज़ नहीं किया मेरे साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो हमने आपको साड़ी का रेंज दिखाया है, साड़ी का वेरायटी दिखाया है, मिनिमम 5,000 से यहाँ से आके आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप मंगाते हैं अपने घर पर, अपने एरिया में मंगाना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए आपको 10,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। और कारण इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपका घट जाए, प्रॉफिट आपका बढ़ जाए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो में हमने आपको एक अच्छा वीडियो बताया है, और जिसके अंदर सारे कपड़ों के बारे में डिटेल में बताया है कि साड़ी कैसी लेनी चाहिए, कैसे बिकेगा सारा कुछ। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है और देख रहे हैं इसको हमारे फेसबुक पे, तो फेसबुक पेज को करिएगा फॉलो, और देख रहे हैं अगर यूट्यूब पे चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार इसको लाइक करिएगा, और मिलने से पहले मैं बोलूँगा कि थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।